हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों देख सकते हैं कि गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है। विभाग ने फिर से लेटर जारी करके जो है ये बात क्लियर कर दिया है कि जो गर्मी की छुट्टी है वो आगे जो है वो बढ़ेगी। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुसार अनुमान के अनुसार पटना जिला में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं जिला दंडाधिकारी, आप देख सकते हैं पटना दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पर लिखा है, के तहत पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूँ। लिखा है यहाँ पे, उक्त विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्य का संपादन जो है वो करेंगे, ये बात कही जा रही है। आगे लिखा है कि आदेश 20/6/24 से लागू होगा एवं दिनांक 22/6/24 तक जो है प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 19/6/24 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है कि 20 से लेकर देख सकते हैं 22 तक जो है आदेश दिया गया है। शिक्षकेतर कर्मी कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्य संपादन करेंगे, जबकि जो है छात्र हैं उनके अवकाश कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 19/6/24 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है। 20/6/24 जैसे लिखा है कि 22/6/24 से जो है विभाग ने कह दिया है कि भाई हम कहीं ना कहीं तैयार हैं आपको छुट्टी देने के लिए, तो आप धैर्य बना के रखिए और आपको अवकाश मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन खबर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय।